गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। कर्नाटक में इस समय हिजाब वर्सेज भगवा विवाद बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका जायका राजनीतिक दलों के लोग चख रहे हैं। देश के कुछ कट्टरपंथियों को मुस्लिम महिलाओं के हिजाब से नफरत होने लगा है। आखिर चुनावी समय में ही ऐसा क्यों होता है, जब लोगों के बीच उन्मादी बातों को डालकर लोगों के ध्यान को भटकाने की कोशिश की जाती है। इस समय कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है और इस पर श्रीराम सेना अपनी राजनीति रोटी जमकर सेक रहे हैं। श्री राम सेना के प्रमोद की माने तो बुर्का या हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान चले जाइए, यानी कि अगर आपको बुर्का या हिजाब ही पहनना है तो उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब आपको क्या खाना है, क्या पीना है, अलबत्ता कि क्या पहनना है, इसके लिए भी आपको अब प्रमोद जैसे लोगों के आदेश लेने पड़ेंगे। हालांकि ये मामला एक विद्यालय का है जिसे धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर हाईकोर्ट 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। उडुपी के एक स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे कर्नाटक में फैल गया है। इस मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए इसकी अनुमति दी जाए। वहीं हुबली में श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक ने कहा है, आप भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनाना चाह रहे हैं, अगर बुर्का या हिजाब की मांग कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। जबकि इस मामले में मुस्लिम स्टूडेंट्स की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। प्रमोद की माने तो हिजाब पहनने पर जोर देना आतंकवादी मानसिकता को बताता है, उनको स्कूल कॉलेज से बाहर कर देना चाहिए। उडुपी के स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे कर्नाटक में फैल गया है। मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। यह पूरा मामला कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी 2022 में शुरू हुआ था, जब उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब पहनने के कारण 7 लड़कियों को क्लास में जाने से रोक दिया था, जिसके बाद इन लड़कियों ने अपने हक के लिए लगातार आवाज उठाई और कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने मांगों में कहा कि अगर हिजाब पहनने की परमिशन नहीं दी जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। उधर हिजाब के विरोध में हिंदू छात्र भी कहां चुप बैठने वाले थे, भगवा गमछा डालकर क्लास में पहुंच गए। जनवरी में चिकमंगलूर के कुछ स्टूडेंट्स ने कैंपस में हिजाब पहनने वाली लड़कियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए भगवा शॉल पहनना शुरू कर दिया था। यह मामला अब पूरे राज्य में फैल चुका है। मंगलवार को कई छात्रों ने धरना भी किया, जहां एक तरफ हिजाब है तो वहीं दूसरी तरफ भगवा गमछा, यानी कि हिजाब बना भगवा गमछा। विरोध अब तक हुबली, उडुपी, कुंडापुर के स्कूल और कॉलेज में सामने आ चुका है, जहां हिजाब के विरोध में स्टूडेंट्स भगवा शॉल या गमछा पहनकर कैंपस में आ रहे हैं। स्कूल प्रबंधक की माने तो 3 साल पूर्व भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन